गाइस डिनर आ चुका है तो फिलहाल डिनर कर लेते हैं। और डिनर में आज फ्राइड राइस, रोटी, दाल और ये सब्जी आलू की। थैंक्स ब्रो। ये बताओ ये किसने किसने खाया है? इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना यार अभी। अभी मैंने बनाया चाय और अब ना बारिश भी स्टार्ट हो गया। देखो आप और डिनर के बाद गाइस आई चले गए पीजी। घर पे नहीं था अपने, मैं था आयुष की पीजी, क्योंकि एज यू नो गाइस कि मेरे घर में कितना ज्यादा गर्मी हो रहा है, तो मैं चला गया आयुष की पीजी। वहां पे लगा हुआ है कूलर, तो उसका रूम पूरा ठंडा गाइस, तो वहां पे पढ़ने में बहुत मजा आया। तो अभी गाइस दोपहर के बज रहे हैं 2 और मेरा तबियत गाइस एकदम ठीक हो चुका है, लाइक एकदम खत्म हो चुका है गाइस। ये सब आपके प्रे और मेडिसिन का माल है गाइस, तो मैं इतने जल्दी ठीक हो गया, लाइक 2 दिन में ठीक से दवाई नहीं खाया ठीक हो गया। तो अभी गाइस आयुष आएगा घर पे, वो भी नहाने गया हुआ है और मैं भी जस्ट नहा के आ चुका हूँ। वो पीजी में आ रहा है, मैं अपने घर बनाया हूँ, तो वो अब आएगा, फिर हम लोग करेंगे अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट। हमने सुबह से किया है केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, कल हमने किया था चैप्टर कंप्लीट, उसका किया हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद किया केमिस्ट्री, तो अभी हम लोग करेंगे फिजिक्स, फिर करेंगे एज ऑलवेज बायो लास्ट, आज लास्ट करेंगे बायो, फिर से बायो का फिर से एक और यूनिट कर देंगे खत्म। तो अभी गाइस आयुष के आने से पहले मैं तब तक करता हूँ थोड़ा सा फिजिक्स रिवाइज, फिर मिलता हूँ आपसे। ठीक है गाइज, उससे पहले मुझे लग रहा है मुझे घर थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए अपना, मतलब अरेंज कर लेना चाहिए पढ़ने के लिए। और ये देखो टेबल कैसा हो रहा है, उधर सोफा कैसा हो रहा है, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है, तो उसको पहले करते ठीक, फिर करेंगे पढ़ाई। ठीक है, ये देखो गाइज ब्रिटानिया खा के यहीं पे फेंका हुआ है इसने, बताओ अजीब लड़का है सही में। यहाँ मेरा लैपटॉप, यहाँ मेरा बुक, यहाँ पर मेरा कॉपी, वहाँ पर मेरा हेडफोन, सबको ठीक करता है फटाफट, है ना। और ये मेरा Q2 गिटार। भाई साहब इतने सारे तार गाइज, किसके तार हैं, लगता है उसने इकट्ठा कर यहाँ पर रखा है। तो सर सबको करते हैं अरेंज, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, एक हद तक सब कुछ अरेंज हो गया, लाइक देख सकते हो आप सब कुछ, अब कितना कोजी लगा रूम, अब पढ़ने में गाइस बहुत मजा आएगा, तो अब पढ़ते हैं। ठीक है, हुआ ये कि मैं लेक्चर देख ही रहा था और सर अचानक से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिए, एंड उसमें से मुझे कुछ सेंटेंस समझ में नहीं आया। एंड आई नो कि आप लोगों के साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ हो कि सर कुछ पढ़ा रहे हो और सर ने कुछ इंग्लिश वर्ड बोल दिया, फिर इंग्लिश सेंटेंस बोल दिया और आपको वो चीज़ समझ में नहीं आया हो, हुआ है ना साहब के साथ। और मैं ये भी जानता हूँ गाइस कि आप चाहते हो कि आपका भी इंग्लिश अच्छा हो जाए, बट गाइस नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन के कारण आप इतने बिजी रहते हो कि अपने लिए एक प्रॉपर कोर्स नहीं ढूंढ पाते हो जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो मैं आपकी फीलिंग को अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, बट अब मुझे वो फिक्र नहीं रहती है। इनफैक्ट मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी अवल सर का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लो, एंड इस कोर्स में आप अवल सर से काफी कुछ सीख सकते हो गाइस। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि अवल सर है कौन, वेल अवल सर is one of the most popular English coach of our country. And guys, बहुत लोगों को पता नहीं ये बात, he has won the most trusted online English coach award by one and only Mr. Nitin sir, government of India, because of his unique style of teaching English. मेरी मानो तो guys, इनको join करना इसलिए best है क्योंकि अवल spoken English course में आपको मिलेगा 60 plus video lessons for just ₹999 for 6 months. यही नहीं guys, यहाँ पे lessons भी हैं, notes भी हैं, quizzes भी हैं, जिससे आप अपनी progress को track कर सकते हो. And you can also clear your doubt in practice group, वो भी 24/7. Last but not the least, after completing this course, आपको मिलेगा NSDC certificate which gives you edges over the other people. तो इतना कुछ सुन लिया आपने, तो किस बात की देरी, ज्वाइन करो। और आपको पता है एक बात,
our spoken English course has been recognized as the online speaking course of the year by one and only Mr. Sunil Gavaskar sir. Aur to aur guys, our sir offers personal coaching and live coaching. Isliye guys, zyada socho mat. Aur aapko bhi agar meri tarah apne English skill ko boost karna hai, to meri tarah aapko bhi ourenglish.com pe jana hai and ek plan select karna hai jo aapko pasand hai aur simply bas aapko join karna hai uspe. Jaake kholo website. अपने लिए प्लान चूज करो और ले लो एंड करो अपने इंग्लिश को बूस्ट. तभी मैं करता हूँ फिर से गाइस लेक्चर स्टार्ट. मिलता हूँ आपसे लेक्चर के बाद. ठीक है चुका है 18:23 मतलब नहीं 6:23 हो चुका है अभी और मैंने अभी करा फिजिक्स. और ये रहा गाइस आयुष. अभी आया गाइस आयुष. इतना लड़की क्यों भाई, क्या कर सकते हैं गर्मी इतनी है. हाँ यार गर्मी तो बहुत है. और गाइस अभी का मौसम देखो आप यार, ये देखो ये चेक करो गाइस, आज लगता है बारिश होगा पूरे काले काले बादल ऊपर. अभी गुड़गांव में तो हो भी रहा है गाइस और काश हो जाए भाई, गर्मी हटेगा ना. आपको इस गेट से भी व्यू दिखाते हैं कि इधर से क्या व्यू आ रहा है अभी का. इधर तो पूरा उजाला है, ये सामने पीजीएम लोग करके. और ये चेक करो गाइस पूरे काले काले बादल भाई, बारिश का मजा आएगा यार. तो अभी गाइस हम लोग सोचे एक प्लान बनाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर बचा हुआ है और कौन सा हमने अच्छे से कंप्लीट करा हुआ है. तो सोचे हम लोग अभी प्लान बनाते हैं, अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल बनाते हैं कितना बचा हुआ है, कितना अच्छे से कम्प्लीट हो चुका है. तो उसके हिसाब से आप करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सीन तो आपको पता है अच्छे से. तो क्या हो गया, देखते हैं हम कितने पानी में डूबे हुए हैं. हाँ गाइस तो अभी देखते हैं, प्लान बनाते हैं, आधे घंटे में अच्छे से प्लान बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. ठीक है इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना यार अभी, और सनसेट हो रहा है गाइस. अब बिजली भी कड़क रहा है, सनसेट हो रहा है गाइस, सनसेट हो रहा है. ये नीचे का रास्ता. अरे भाई बिजली यार, बिजली आया यार, काश कैमरे में आ जाए अभी एक बार. अरे भाई आवाज भी कर रही है यार. गाइस अभी मैंने बनाया चाय और अब ना बारिश भी स्टार्ट हो गया. देखो आप अभी तो इतना आंधी चल रहा था गाइस यार, खिड़की खुल जा रही थी अचानक से अपने आप. ये देखो रोड गीला हो चुका है, अभी पियेंगे बारिश में चाय. और पता है गाइस ये तक तो पूरा खिड़की खुल गया था, फिर हमने खिड़की वड़की बंद की है यार. ये देखो इतना कचरा आ गया घर के अंदर गंदा, इसको साफ करना पड़ेगा. वो तो अभी फिलहाल पीते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे. ठीक है और गाइस हमने फिजिक्स केमिस्ट्री का भी प्लान कर लिया अच्छे से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लाइक हमने कितना पढ़ रखा है कितना नहीं पढ़ रखा है वो सारा हमने लिख लिया है. तो उस हिसाब से करेंगे हम लोग नेक्स्ट 15 डेज का प्रिपरेशन. और मैं आपको कल अच्छे से बता दूंगा कि कितने चैप्टर में रहते हैं और कितने नहीं रहते हैं. तो अभी करते हैं फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर ना, तो मैं आपको कल ही बता पाऊंगा अच्छे से. तो अभी हम करेंगे बायो का इकोलॉजी, उसके दो पार्ट में वन शॉट है, एक है अराउंड 3 घंटे का और एक है अराउंड 1.5 घंटे का. तो पहले हम करेंगे पार्ट 1 और उसके बाद करेंगे कल क्वेश्चन प्रैक्टिस और पार्ट 2 भी कर लेंगे. तो अभी करते हैं गाइस फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट, तो मिलता हूँ आपसे गाइस इस लॉट की. तू किससे करेगा, एनसीईआरटी से हैं? ठीक है तू उससे कर, मैं करता हूँ वन. ठीक है तो ठीक है फिर मिलते हैं आपसे इस लॉट के बाद. ओके लीजिए सर लैम्प लीजिए, मेरी तो आपको दिख रहा नहीं है ना. लीजिए सर. थैंक्स ब्रो. चुका है तो फिलहाल डिनर कर लेते हैं और डिनर में आज फ्राइड राइस रोटी दाल और ये सब्जी आलू की. तो अभी डिनर करते हैं फिर मिलते हैं. ठीक है अभी डिनर हो चुका है और डिनर के बाद गाइस आयुष चले गए अपने पीजी, वो वहां जाके कंप्लीट करेंगे चैप्टर और मैं अभी करता हूं चैप्टर कंप्लीट और कल करेंगे हम लोग साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी. तो अभी गाइस मैं करता हूं फिर से लेक्चर, फिर मिलता हूं आपसे. ठीक है
गाइस टाइम हो चुका है 12:35 और अभी मेरा गाइस फर्स्ट लेक्चर हो चुका कंप्लीट, मतलब पार्ट वन हो चुका कंप्लीट। आयुष भी जा चुका अपने घर पे ऐसा करने देखा। तो अब गाइस मैं जाऊंगा सोने क्योंकि मेरी नींद भी आ रहा है, क्योंकि मैं उठता हूँ अराउंड 6:30 करीब गाइस। तो फिलहाल मैं अब सोने, तो फिलहाल मैं करता हूँ एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो फिर लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते फिर से नेक्स्ट ब्लॉग तक ले बाय। गाइज ये बताओ ये किसने किसने खाया है, आई थिंक सबने खाया हुआ ये। अगर आप नाम कमेंट बता दिए फिर तो मैं समझ जाऊँगा सब अपने मिठाई है, और नाम बता ही दोगे आई होप। ये देखो ये कैंडी देखो गाइज, मेरे हाथ में मत पड़ो क्या लिखा हुआ है ये देखो।